दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसी टिप्स जो बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, लेकिन आपको जरूर आनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली टिप्स में जो हमारे आता है, इसमें हमें यहां पे कुछ आप देख रहे हैं, हर एक रो के बाद कुछ ब्लैंक रो आ चुकी हैं, तो इन्हें हमें रिमूव करना है। तो वो कैसे करें, हम कुछ यहाँ पे ब्लैंक रो आ चुकी है तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई डाटा है उसमें हमें हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। देखें, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से इसको हमें यानी कि ब्लैंक रो को रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर इफ ब्रैकेट और यहां पे ये वाला सेल ले लेंगे जो हमारा सीरियल नंबर है, बराबर दो बार इन्वर्टेड कोमा लेंगे, कोमा लगाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हो गया। हम चाह रहे हैं यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो दो बार इन्वर्टेड कोमा कुछ भी नहीं आए, नहीं तो हम ले लेंगे रॉ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1:1 यानी कि एक रो आ जाए, 1 लिखा आ जाए, फिर जब नीचे ड्रैग करेंगे तो 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे इसने एक 1 आंसर दे दिया। इसको नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो आपने देखा 1, 3, 5, 7, 9 और 12। अब हमें सिंपल करना यह है कि इसको सेलेक्ट करना है, होम टैब में आएंगे या फिर आप डेटा में भी आ सकते हैं, A to Z इसको भी आप कर सकते हैं। A to Z में क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये हमारा सब इसकी जो ब्लैंक रो थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये फॉर्मूला हम डिलीट कर देंगे क्योंकि उसका काम इतना ही था। अगर हमने यहाँ पे हर एक रो के बाद हमें ब्लैंक रो चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने लिया और इसको ही कॉपी कर लेंगे और नीचे लाके इसको ही पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इनको और डाटा में आएंगे A to Z कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर एक के बाद यहां पर ब्लैंक रो आ चुकी है। अब दूसरी टिप्स में हम चलते हैं। जैसे कि आपने देखा यहां पे लिखा है संडे मंडे, पूरे वीक का नाम लिखे हैं और उसके आगे उसमें कुछ वैल्यूज लिखी है। तो हम बेसिकली करते क्या है, इसको ट्रांसपोज करते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया, नीचे रखा, यहाँ से हमने इसको कर लिया है ये वाला ऑप्शन ट्रांसपोज, या फिर आप पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे, यहाँ से भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाला डेटा यहाँ पर आ गया, लेकिन क्या हमने संडे में 695 किया लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि ये लिंक भी रहे तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पे अरे के साथ ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज फंक्शन का यूज करेंगे, सॉरी फॉर्मूला का, बराबर ट्रांसपोज अरे ले लेंगे हम इसमें ये वाला पूरा और इसको लॉक कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद एंटर, तो आप देखेंगे ये वैल्यूज यहाँ पे भी आ चुकी है, ये एक अरे फंक्शन के साथ आ गया। अब हमने यहाँ 687 कर लिया तो आपने देखा वो वैल्यू भी चेंज हो गई। अगर हमने यहाँ पे 645 कर लिया या 64025 कर लिया तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गई। तो ये ट्रांसपोज ऑप्शन है जो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 3। ये बहुत ही बेसिक सा है, इसमें मैंने कुछ ज्यादा एडवांस चीजें नहीं ली हैं, ये बेसिक्स में है, इसमें बहुत आपके काम आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमने 3 चीजें ली हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। अब उसकी डिटेल यहाँ पे आनी है, यानी सिल्वर में हमारे पास क्या क्या है। तो हम सिल्वर के लिए यहाँ पे हम डेटा ऑप्शन में आएंगे, हमने यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं देखें, इसी नाम से हमने ये बना रखे हैं, सिल्वर शो करेंगे तो आप देखेंगे सिल्वर में आपका रूम मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और 1 आवर सफारी मिलेगी। गोल्ड में हम आ जाते हैं तो गोल्ड में आपको
डिनर भी मिलेगा और 3 आवर्स वाली। और डायमंड में आपको जो मिलेगा रूम विद हिल व्यू, यानी उसमें हिल व्यू है, ब्रेकफास्ट है, लंच विद आइसक्रीम, डिनर विद ड्रिंक और 4 आवर्स सफारी। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया सिल्वर, और यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए सिल्वर में आपको रूम मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा और आपको 1 आवर सफारी मिलेगी। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका नाम दे देंगे सिल्वर। ओके करेंगे हम, तो जो हमने लिखा होगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। एक हमारा ब्लैंक भी है, हम उसको ऐसे ही ओके कर देंगे। अब दूसरा लेते हैं हम गोल्ड। गोल्ड में क्या है, रूम, ब्रेकफास्ट, लंच और इसमें 1 आवर सफारी और साथ में डिनर है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 आवर की जगह फिलहाल 2 आवर्स कर लेते हैं। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट करें, सिनेरियो मैनेजर में आएंगे, यहां पे ऐड कर लेंगे हम गोल्ड। क्लोज कर लें। अब हमने कर लेना है डायमंड। डायमंड में है रूम विद हिल व्यू, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर और डिनर विद आइसक्रीम और यहाँ पे हमारा 4 आवर सफारी। तो इसको भी हम उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो इनको सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पे ऐड करेंगे हम डायमंड और इसको ओके कर देंगे, यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए हमारे पास आपसे कोई मान लीजिए इंक्वायरी लेने के लिए आता है कि भाई सिल्वर, तो अभी ये क्या है, डेटा और भी बढ़ सकता है। सिल्वर को हम यहाँ से शो करेंगे कि सिल्वर में आपको रूम, ब्रेकफास्ट, लंच, 1 आवर सफारी, गोल्ड में आपकी ये फैसिलिटी है, डायमंड में आपकी ये फैसिलिटी। तो इस तरह से हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। अब इसमें चौथी टिप्स में चलेंगे हम। ये बेसिकली फ्लैश फिल के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, मान लीजिए मैं नाम लिख रहा हूं इसमें परवेज आलम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे हैं, यहाँ पे लास्ट नेम लिखे हैं और यहाँ पे मैंने फुल नेम लिख दिया है परवेज आलम। अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा और फ्लैश फिल में आ जाएंगे, डेटा में ही आ जाएंगे फ्लैश फिल। तो आप देखेंगे बाकी के जिनके भी नाम हैं उनके साथ उनके सरनेम यानी उनके लास्ट नेम साथ में मिलके आ गए। तो ये फ्लैश फिल ऑप्शन है। नंबर 5, यहाँ पे लिखा है दाऊद कंप्यूटर सेंटर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दाऊद अलग, कंप्यूटर अलग और सेंटर अलग हो जाए। तो डेटा में ही हम आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, एक तो हम कॉलम में करेंगे और एक उसको रॉ में करेंगे। तो कॉलम में हम कैसे करेंगे, फिक्स विड्थ में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसमें ये आप देख रहे हैं जहां पे हम इसमें ये एरो लगा लेंगे जहां पे हमें चाहिए कॉलम, नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग आ गए। अभी हमने क्या करना है, अभी हम चाह रहे हैं कि दाऊद कंप्यूटर सेंटर इस तरह से आ जाए। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, होम टैब में आएंगे, फिल में आ जाएंगे हम, यहां से हम आ जाएंगे जस्टिफाई में और जस्टिफाई में आने के बाद हम यहां पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे दाऊद कंप्यूटर सेंटर इस तरह से आएंगे। यह है नंबर 6। नंबर 6 में क्या है कि हमें कई बार हमें क्या होता है, कुछ नंबर लिखने रहते हैं। तो हम यहां से 10,000 तक हमें नंबर लिखने, तो पकड़ के खींचेंगे या तो हम 1, 2 लिख के, या फिर एक आसान तरीका यह है कि आप उसमें 1 लिखेंगे, फिल ऑप्शन में आएंगे और सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में आने के बाद यहां पे ले लेंगे आप कॉलम। देखिए रॉ में लेंगे आप तो वो पूरी इस तरह से चलेगा लेफ्ट टू राइट, कॉलम में लेंगे तो अप टू डाउन,
1 से लेके हमें 10 तक लिखने हैं। फिलहाल मैं 10 तक लिख रहा हूँ, ये 10,000 तक भी लिख सकते हैं आप। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 तक लिखे आ गए। अब यहाँ से हमें कैसे लिखने हैं, जैसे हमें 11 से लिखने हैं 11 से लेकर और हमें 20 तक लिखने हैं, तो हम यहाँ 1 ही रहने देंगे, स्टेप वैल्यू 1, लेकिन स्टॉप वैल्यू 20 कर देंगे। ओके करेंगे तो इस तरह से आ जाए। इसी तरह से ही हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आगे यहां पे 30 कर लेंगे तो वो आपके इसी तरह से चल जाए। बाकी 31 से 40 और 41 से 50, तो 1 टू 50 कर देंगे। अब 7 नंबर जो है इसमें क्या है कि जैसे आपने कई दफा देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहां 2 कॉलम है, लेकिन ये मुझे कॉलम 1 करना है इसको, तो नॉर्मली तो हम इसमें क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। लेकिन मर्ज में एक ऑप्शन और होता है जिससे आप क्या है, मर्ज आप करेंगे तो एक बार में मर्ज होगा, यानी कि आप या तो सबको मर्ज करेंगे तो वो मर्ज सबको मर्ज कर देगा, एक कर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इस तरह से मर्ज हो, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज में ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, मर्ज अक्रॉस कर देंगे, तो आप देखेंगे वो जो हमारे कॉलम है वो उसमें से हट जाएंगे। इसी तरह से यहां से आप इसको मर्ज अक्रॉस कर लेंगे, तो ये इस तरह से है। अब चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, मान लीजिए यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है बराबर सम, और यहां से यहां तक हमने इसको जोड़ दिया है। तो जोड़ने का मतलब, जैसे मैंने इसको जोड़ा तो इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 750 कर दूं तो उसका आंसर जो है चेंज होगा। अब इसमें मैं आपको दो चीज बताऊंगा कि एक तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा टोटल वेजेस लिखा है इसकी फॉर्मेटिंग इसकी तरह ही करनी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे, उसमें क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेंगे और यहां से हम इसमें लगा देंगे, तो वो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इसमें चली जाएगी। अभी इसमें हम एक ऑप्शन और यूज करेंगे, फॉर्मूला में आके आपने देखा होगा कैलकुलेशन ऑप्शन, अगर हम इसको मैनुअल कर लें, ये प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी होता है वैसे तो, लेकिन ये बेसिक यूज क्या है इसका, कई बार हमारा बहुत सारा डेटा है यानी टेबल इतनी बड़ी है कि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, हम एक कहीं पे चेंज करते हैं तो वो कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेट ना करे और काम बहुत जल्दी हो जाए, तो उसके लिए हम इसको मैनुअल कर लेंगे। मैनुअल करने का फायदा यह है कि 750 की जगह मैंने 735 किया लेकिन आंसर नहीं बदला। अब आंसर बदलने के लिए मुझे या तो कैलकुलेट नाउ में यह है पूरी उसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट शीट करेंगे तो सिर्फ यही शीट को कैलकुलेट करेगा, और ऑटोमेटिक में क्या है कि यहाँ पे मैंने 750 किया तो वो लाइव बिल्कुल उसको मतलब अपडेट करेगा। तो ये थे इसमें 8 ऐसे तरीके जो बेसिक तरीके थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।